उसने ना यहाँ पे ऐसा, वो तो इसमें हल्का सा रबिंग। अच्छा ठीक है ना, फिर ऐसा भी लगता नहीं आप किसी एक का वो प्रचार नहीं कर रहे है ना, ऐसा प्रचार के बता फिर चीजें क्या, जो अच्छी होती है सो अच्छी, जो बुरी है सो बुरी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही शानदार से इस हाईवे में, और मेरे साथ में है अंक्या। अंक्या एक बार हेलो कर लो सभी को। हेलो दोस्तों, निम्मा राव हेलो करो। हाय दोस्तों। तो निम्मा राव हम कहाँ जा रहे हैं? काका जी जा रहे हैं छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कार का ना मामला फंस गया है थोड़ा सा। क्या हो गया? मामला फंस गया, धुलधाल करके पता नहीं, धुलधाल करेंगे उसको क्या। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं, हमारी रेनॉल्ट जो ट्रिबर है उसकी पहली सर्विसिंग है। तो इस पहली सर्विसिंग का अनुभव कैसा क्या रहता है, उसके बाद में क्या चेंजेस आते हैं ये देखना होगा, क्योंकि मेरी जो कार है ना, जब से मैं लिया हूँ, इसके पहले एक नॉर्मल एक हेल्थ चेकअप होता है जो कि 2500 रुपये होता है, और मेरी कार 5 महीने में 10,000 प्लस चल चुकी है। तो अब हम जा रहे हैं सर्विसिंग में, हम लोग का ये पहला सर्विस है। अब देखना ये है कि आज के सफर में मुझे कौन कौन मिल पाता है, सर्विसिंग कैसी रहती है, और खास तौर पर जो हमारी रेनॉल्ट की जो शोरूम है वहाँ का, जो वहाँ का स्टाफ है, उसका क्या बिहेवियर रहता है, कैसे क्या वो लोग इस गाड़ी को मतलब सर्विस करते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आज के व्लॉग में जो ट्रिबर जो लेने वाला है या जो ले चुका है, या फिर जो भी गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के पहले भाई क्या क्या अपने को सावधानियां बरतनी चाहिए, ये सब चीजों के लिए आप बने रहो। और आपको सिर्फ यहाँ पे ट्रिबर ही नहीं, आपको बहुत कुछ मिलेगा आज के व्लॉग में। बहुत लोगों से मेरी मुलाकात होने वाली है, जिनसे मेरी बात हुई है, आपको सबसे मिलवाऊंगा मैं। तो बने रहो, चलते हैं छिंदवाड़ा के सफर में, और हमारे साथ में जो अच्छे अच्छों के दिलों में करर दिखाओ उसका नाम है निम्मा राव। गाइज सफर में जो है हम लोग रुक चुके हैं यहाँ पर बीच में ही, और हमें क्या हुआ कि यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया बाबा भोलेनाथ की मूर्ति दिखी। तो क्या शोर बहुत हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप बहुत बढ़िया मूर्ति बन रही है वहाँ पर। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुक जावा। देख सकते हैं आप, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर जो है ये मेन रोड है, मेन रोड के अंदर है, बहुत ही भव्य मूर्ति है, बहुत ही भव्य। और मैं आपको करीब जाकर दिखाता, बट थोड़ा सा वक्त का मैटर है, वरना मैं आपको दिखा देता, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे। भुट्टे भूज रहे हैं, तो हमको ऐसा लगा कि यार चलो यहाँ पे भुट्टे खा लेते हैं एक आध ठो, उसके आगे निकलते हैं हम लोग अपने सफर पे। ये देखो हरे हरे, अभी है घर कहीं अपने देसी वाले, और वो वाला है क्या स्वीट कॉर्न? स्वीट कॉर्न नहीं है, ये देखो ये देसी वाले ताजे एकदम है, अब भी लाए बोल रहे हैं खेतों से। तो ये देखो भैया भूज भी रहे हैं बेहतरीन, ये इनका जला हुआ एकदम, ये भाई साहब क्या बोलते निम्मा राव? बिल्कुल भैया, शंकर भगवान दिखा दिया मैंने, दिखा दिया महाकाल, जय श्री महाकाल। देखो अंक्या भी लगा हुआ है एकदम, अपनी कार खड़ी उधर छम्मो। सफर पे निकले, बाकी मजा आ रहा है, ऐसे ही हम लोग का सफर चलता रहे और मस्ती हम लोग करते रहे। मेरे बाल हमेशा उखड़े उखड़े से लगते हैं, क्योंकि मैं ऑयल यूज नहीं करता हूँ, तो आपको ऐसे ही मिलेगा ये, बाकी ऐसी कोई बात नहीं, मजा आएगा। मिर्च वाली गरम निकाल दिए तीन ठो, ये भी क्या है ना, अभी बहुत तेज था। तो छिंदवाड़ा के सफर में अगर आप निकले हैं इस वक्त पे, तो आपको यहाँ का जो मक्का है, यहाँ का जो भुट्टा है, उसके मजे आपको लेना बहुत जरूरी है। हमने ले चुका है, और आप भी एक बार जब आएंगे तो ले लीजिएगा मजा, क्योंकि रास्ते पर एक भाई बैठते हैं, सामने भोलेनाथ की बहुत बड़ी मूर्ति है, उसके जस्ट सामने पर भाई साहब बैठते हैं और तुरंत ताजे वाले तोड़ के खिलाते हैं। तो अच्छा लगा, मैंने मिलवा भी दिया हूँ आपको भाई साहब से। चलो चलते आए के सफर में निम्मा राव। अरे भाई थोड़ा पेट बढ़ा के बोलेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रेनॉल्ट के शोरूम पर, और यहां पर अपनी गाड़ी जो है सर्विसिंग के लग जाएगी। अब देखते हैं कि मामला कैसा क्या फंसता है। सर्विस डिपार्ट पे आ चुके हैं हम लोग, और देखो अपनी नैनो फिर खड़ी, देखो ये देख अंक्या, देखिए दोस्तों ये है अपनी नैनो, आज भी खड़ी है। हाय हाय मेरी जान, तू आज भी खड़ी है। गाड़ी अभी भी यहाँ पर खड़ी है, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि नैनो को जो है लेने की औकात सिर्फ बनवारी सीट की थी, देवपुवार की, बाकी किसी की नहीं है। आप समझ सकते हो कितनी महंगी गाड़ी हो,
चलो अब भाई साहब है जो अपनी गाड़ी का जो है अभी सारा वो लेने वाले हैं टेस्ट वगैरह। भैया अपनी गाड़ी पे लग गया 4 नंबर का स्टीकर, देखो करवाते हैं सर्विसिंग, उसके बाद आपको बताते हैं सारी कहानी कैसी कैसी क्या क्या है। मतलब प्रायोजित कार्यक्रम नहीं है और मेरे ख्याल से फिर ऐसा भी लगता नहीं आप किसी एक का वो प्रचार नहीं कर रहे है ना, ऐसा प्रचार के बता फिर चीजें क्या जो अच्छी होती है सो अच्छी जो बुरी है सो बुरी आपके वीडियो बन जाए। हमारे देव पवार जी जो कि बालाघाट सिवनी से है, जो बहुत फनी वीडियो और कहना चाहिए एक नॉलेजेबल समाज के लिए काम करते हैं और इनके वीडियो बहुत फनी हैं। आप पेज पे जाइएगा इनके, मैं लिंक डाल दूंगा तो उसमें जाइएगा सारे वीडियो देखेंगे, बहुत फनी है और इनका जो भी तकिया कलाम कुछ जो भी रहता है बढ़िया रहता है तो। और ये आज हमारे रहनों में विजिट करा है ना, तो इनका कैसा क्या एक्सपीरियंस है हमारे रहनों में वो सर बताएंगे थोड़ा सा। रहनों पे जो बता दूँ मैं आपको, लगभग 5 महीने हो गए मुझे आपके यहाँ से जुड़े हुए, तो लास्ट जो मेरी सर्विसिंग थी वो भी बहुत बेस्ट थी और जैसा मैं चाह रहा था सब कुछ वैसा ही हो गया था। और रही बात गाड़ी की, ट्रिबर की बात करते हैं तो वो तो बहुत बेस्ट है, जब से मेरे पास में आई कदम से बोल रहा हूँ मतलब मामला यहाँ से यहाँ पहुँच गया है, तो सब कुछ बेस्ट है। आप लोग हैं तो कुछ सब कुछ बेस्ट आता है, स्टाफ बहुत बेस्ट है, ऐसा लगता नहीं कि मतलब मैं कहीं सर्विस के लिए आया हूँ, लगता है कि अपने दोस्त भाइयों के बीच में आए आप, तो वो ऐसा नहीं, हम तो चाह रहे थे कि आपसे मिलना हो, अभी बीच में हो रहा था कि भाई हम सर सेफ्टी में रहते, लेकिन अब इन्होंने कहा कि नहीं सर को अपने यहाँ पे बुलाओ तो बेस्ट सर्विस अपन देंगे। जा नहीं पाया था उस टाइम पर मैं सर, एक बार नाम बताएंगे। मनोज चौकी, योगेश बेले जी। तो अपनी जो गाड़ी है वो अंदर जा चुकी है और मैंने आपको बोला हुआ था कि आज की सर्विसिंग कैसी होती है, क्या क्या उसमें होता है, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था गुड और बैड दोनों, तो देखते हैं आज क्या हो पाता है। और उसमें हल्का सा एक डेंट भी है जो कि सर ने मुझे बोले हुए हैं कि वो हम फिनिश कर देंगे, डेंट में पेंट हो जाएगा और सारा सब कुछ हो जाएगा हमारा। तो सर्विसिंग कितना कैसा क्या क्या चार्जेस होते हैं जब अगर आप आते हैं यहाँ पर, सब आपको बताने वाला हूँ मैं आज, तो बने रहो मेरे साथ में। और सर हमारे वीडियोज भी देखते हैं और हंसते रहते हैं। सर आप प्रॉपर यहीं से? जी बिल्कुल, मैं छिंदवाड़ा चंदन गाँव से हूँ प्रॉपर। और आप? मैं दमुआ से हूँ। अच्छा, तो अभी सबसे बुलवाऊंगा मैं आपको बाकी भी स्टॉप अभी। और लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे आप जब भी आते हैं तो एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर पाते हैं, इसलिए आप यहीं जाना यहीं मत जाना। जितने भी लोग मेरे ख्याल से 3-4 लोग ऐसे आ रहे हैं अपनी फेवर के चेक करने, तुझे शूट पिक नहीं मारा। आओ तो उसने ना यहाँ पे ऐसा वो तो इसमें हल्का सा रबिंग। अच्छा ठीक है ना, और आप लाजे छोड़ोगे तो एक बार ऐसा है कि क्लेम लेम भी करवाओगे आप, पता चला कि वही हो आप। एक बार तो पहले मालूम थी कोई गाड़ी है आपको यहाँ देखिए गाइस, अपनी गाड़ी है यहाँ पे सर्विस हो रही है और ये भाई साहब सर्विस कर रहे हैं, इनके साथ में ट्रायल पे भी गया था। अब देखो ये इंजन ऑयल सब चेंज करेंगे आज, फिल्टर होगा, एयर फिल्टर चेंज होगा इसमें, और ये इनका सर्विस एरिया है वाला भी। एक बार आपका नाम बोलिए। मेरा नाम अजय करोसिया है, मैं छिंदवाड़ा का रहने वाला हूँ। अब देव भैया से हमारी पहचान हुई जो आज बड़ी किस्मत से मुझे मिले, मैं इतने दिन से सोच रहा था कि भैया मुझे मिले और आज वो मौका आ ही गया और भैया मिल ही गए। अब मैं चाहूँगा भैया आप अच्छे रहें, खुश रहें, आपकी टीम अच्छा नाम करे, आपका अच्छा सब नाम हो और बस बस आपका प्यार आशीर्वाद रहे। तो आप प्रॉपर छिंदवाड़ा से? जी। हमारी वीडियोस आप कब से देख रहे हैं भैया? भैया मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा 4 महीने हुआ होगा, बच्चे देखते थे उसे, लाइक करते नहीं आता था, उनको मोबाइल ज़्यादा चलाते नहीं आता था, मैंने एक बार देखा जो नेचुरल जो कहते हैं ना गाँव की जो कॉमेडी होती है जिसमें बांगा भैया है, जो नेचुरल
वो अच्छा लगा, और आपका जो अच्छा लगा जो आप मैंने वीडियो जो बना दी जिसमें कोई मैसेज मिले आदमी को, हम अब आपको नंबर देके जाएंगे जी, और आप आइए फिर एक रोल भी देंगे आपको बढ़िया सर। चलिए सबको बाय कर दीजिए आप। हर व्लॉग अमेरिका से आप यहाँ आता हूँ तो पहले उसको आए थे आप? हाँ, वो फर्स्ट टाइम में अपन ही मिले थे, और जब भी मोहित सर नहीं थे जब भी वो तो उनका बड़ा बैड लक था। तो गाइस गाड़ी देखो रेडी हो चुकी है एकदम चमचमाती हुई, और सर्विस की बात करें तो जैसे मैं चाहता था एकदम सर ने एकदम वैसे ही कर दिया है। तो सर हमेशा आप मेरी गाड़ी के स्पेशल काम करते हैं कि हर गाड़ी के ऐसे? नहीं, हमारे लिए तो सभी कस्टमर देखिए ना, मतलब सभी के लिए बराबर है ना। और आपसे मिलकर तो बहुत पहली बार मिला। हमारा काम तो ऐसा था नहीं है ना, लेकिन कभी जैसे एक्सीडेंटल केस आए, कभी गाड़ी डैमेज हुई, कोई डैमेज कर दे, तो फिर उसके बाद का काम हमारा है। बस ये मेरा रह गया दोस्तों, ये हल्का सा यहाँ पर रह गया जिसको हम लोग शायद नेक्स्ट टाइम कर पाएंगे, क्योंकि गाड़ी उसके लिए छोड़ना पड़ेगा और टाइम जाएगा उस टाइम। तो थैंक यू सर। ओके थैंक यू। ऐसी तकलीफ आप बिल्कुल, हम ऑलवेज तत्पर रहेंगे। तत्पर रहेंगे ना बिल्कुल भैया, आप हंसते रहे ना, आपको आप हंसते रहे और हम यहाँ पर आते रहे, लेकिन 10,000 थोड़ा लेट चले तो बड़ा अच्छा। ऐसा बार बार आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है। चलिए थैंक यू, ठीक है।